आपका जिला अध्यक्ष लीडर बन रहा है, आपका लोकसभा का प्रभारी लीडर बन रहा है, उनके नेतृत्व के अंदर धरनों के ऊपर समर्थन जा रहा है, उनके नेतृत्व के ऊपर डीसी को ज्ञापन देने का काम हो रहा है, आप बढ़ाएं अपनी एनर्जी कितनी बढ़ा सकते हैं, आप बढ़ाएं अपना नेतृत्व कितना बढ़ा सकते हैं। तो सम्मानित साथियों, इस तरह की प्रत्येक बात हमने यहां से ऐलान, अध्यक्ष जी ने यहां से ऐलान करने का काम किया है कि अगर एक व्यक्ति भी कहीं सरकार के खिलाफ धरने पर बैठा है तो वहां बहुजन समाज पार्टी जाकर के उसको समर्थन करने का काम। तो सम्मानित साथियों, अपनी जिम्मेवारी आप लें, हमारी जिम्मेवारी हम लेते हैं, मिल बैठ करके इस बात को आगे बढ़ाएंगे और अब की बार इस बहुजन समाज पार्टी के कारवा को बड़ी प्लानिंग के तहत हम आगे लेकर के जाएंगे। जैसा कि मैं 2 मिनट और लगाऊंगा अपनी बात को समाप्त करने के लिए। सम्मानित साथियों, अध्यक्ष जी बैठे हैं हमारे बीच में, इनके नेतृत्व के अंदर हरियाणा प्रदेश का ये काम आगे चलेगा। हमने 5 तारीख की प्रदेश की बैठक है, उसके अंदर हमारे लोकसभा के प्रभारी, जिला का अध्यक्ष और हमारे प्रदेश की कमेटी के लोगों को बुलाया है, क्योंकि कोरोना के चलते वहां भीड़ भाड़ ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हम उस दिन अपने 30 लोकसभा के प्रभारी और 15 प्रदेश कमेटी के लोगों को अनाउंस करने का काम करेंगे, अध्यक्ष जी वहां पर अनाउंस करेंगे। 45 लोगों की टीम बनेगी, 45 लोगों के नेतृत्व में टीम बनाने का, आप सुन लेना कि जमीन से कैसे काम शुरू होगा। अभी तो वक्त है, चुनाव के अंदर क्या होगा क्या नहीं, हो सकता है कि चुनाव के समय मैं रहूं ना रहूं, लेकिन कैसे जमीनी सतर के ऊपर काम शुरू होगा तो आप लोगों को इससे विश्वास होगा। तो सम्मानित साथियों, धैर्य रख करके हमें आगे बढ़ना है। हम 5 तारीख को जो प्रदेश की बैठक है रोहतक के अंदर, काठमंडी के अंदर धर्मशाला बुकिंग की गई है, तो उसके अंदर 45 पदाधिकारियों के नेतृत्व में टीम बनाने का काम करेंगे। मैं खुद 5 तारीख को एक विधानसभा लेने का काम करूंगा, मैं खुद प्रदेश के अध्यक्ष एक विधानसभा लेने का काम करेंगे, बत्रा साहब एक विधानसभा लेने का काम करेंगे, 45 लोग और 45 विधानसभा, और हमारे नेतृत्व में जो विधानसभा मुझे मिलेगी उस विधानसभा के जो एक्टिव जो कार्यकर्ता है वो मेरी टीम में शामिल हो जाएंगे। और हम क्या करेंगे उसके लिए, हम एक एक टीम, 45 टीम बनने के बाद एक एक टीम से पूछने का काम करेंगे कि डॉक्टर महेश के नेतृत्व में जो टीम बनी है, सरदार जी के नेतृत्व में बनी है, तो महेश से पूछा जाएगा कि ईमानदारी से बताओ आप महीने में कितना दिन काम करेंगे, सरदार जी से पूछा जाएगा बताओ ईमानदारी से महीने में कितना दिन काम करेंगे, कोई कहेगा ना, हम उधर से कहेंगे कि शर्त है कि 20 दिन मैक्सिमम काम करेंगे आप लोग, 20 दिन से ज्यादा काम नहीं करना, क्योंकि 20 दिन से ज्यादा काम होता ही नहीं है। तो हम कहेंगे कि आए एक टीम को मैक्सिमम 20 दिन काम करना है, 21 दिन काम नहीं करना, और मिनिमम 10 दिन काम करना है। अगर राजपाट की बात कर रहे हैं तो 10 दिन तो काम करेंगे ज्यादा से ज्यादा, कम से कम करेंगे हम 10 दिन तो, लेकिन उसके ऊपर शर्त रहेगी, जो टीम 20 दिन काम करेगी वो प्रतिदिन 3 गांव में जाने का काम करेगी, जो टीम 15 दिन काम करेगी वो टीम प्रतिदिन 4 गांव में जाने का काम करेगी, जो टीम 10 दिन काम करेगी वो अपनी एफिशिएंसी को थोड़ा बढ़ाए, प्रतिदिन 5 गांव जाने का काम करेगी। तो इस तरह से जो टीम 20 दिन काम कर रही है वो भी 20 या 60 गांव में जा रही है, जो टीम 15 दिन काम कर रही है वो 15 चौके 60 गांव में जाने का 1 महीने में काम कर रही है, जो टीम 10 दिन काम करेगी वो 10 5 50 वो 50 गांव में जाने का काम कर रही है। मतलब एवरेज 1 महीने में हमारी एक टीम 50 से 55 गांवों के अंदर जाने का काम करेगी, तो 46 टीम 45 टीम कितने गांव में जाने का काम करेगी, हमारी 45 टीम 2250 गांव के अंदर जाने का 1 महीने के अंदर काम करेगी, और हमारी 45 विधानसभा वहां से कवर होने का काम करेगी। जब अगला महीना आएगा 5 जुलाई के बाद जब अगली बैठक 5 अगस्त को होगी, तो सबसे पहले मैं खड़ा हूंगा और मैं ये कहूंगा कि सम्मानित साथियों, आप लोगों ने मुझे महम विधानसभा देने का काम किया था, मेरी ये टीम थी, मैं अपनी टीम के साथ महम विधानसभा में गया और मैंने 20 दिन काम करने का वादा किया था, लेकिन मैं 17 दिन काम कर पाया, लेकिन मैं रोज 4 गांव में गया तो 68 गांव का डाटा डिटेल मैं लेकर के आया, 68 गांव का दौरा मैंने किया है, 68 गांव का दौरा मैंने किया है। ऐसे करके अध्यक्ष जी और तमाम हमारे पदाधिकारी अपनी समीक्षा कराने का वहां पर काम करेंगे, एक दूसरे की समीक्षा हम करेंगे। अब वो ढर्रा नहीं चलेगा कि इधर के बैठे हुए पदाधिकारी सिर्फ समीक्षा लेने का काम करते थे, हम पहले अपनी समीक्षा कराएंगे फिर बाद में आप लोगों से पूछेंगे कि आप लोगों ने कितना काम किया। तो सम्मानित साथियों, अगले महीने में हमारी बची हुई 45 विधानसभा हम एक एक फिर दोबारा बांटने का काम करेंगे, तो 2 महीने के अंदर 90 विधानसभाओं में जाने का काम करेंगे और 2300 गांव के अंदर जाना काम करेंगे। इस 2 महीने के अभियान को 3 महीने तक एक्सटेंड करेंगे, 1 महीना और ले लेंगे, 1 महीना क्यों ले लेंगे, क्योंकि विधानसभा तो पूरी हो गई लेकिन गांव तो बच गए, गांव तो 7000 हैं, तो जो बच गए गांव हैं उन गांवों को बांटने का काम करेंगे, और 3 से 4 महीने में इस हरियाणा प्रदेश के 6500 गांवों के अंदर बहुजन समाज पार्टी का बड़ा पदाधिकारी जाने का काम करेगा। इस प्लानिंग के तहत हम काम करेंगे, और उसके अंदर वो जाएगा क्या, जो भी टीम जाएगी वो टीम अपने पुराने वर्कर के घर जाएगी, गांव में हमारा जो भी पुराना वर्कर बैठा है या पुराना पदाधिकारी बैठा है, तो इससे क्या होगा, जो पुराने पदाधिकारी छूट गए हैं, जिनका हालचाल
पूछना बंद कर दिया है, जो बेचारे वक्त के मारे हुए छूट गए हैं उनके घर जाकर के बैठक बनाएंगे, उसको पूछेंगे कि हम आपसे मिलने आए हैं, मेरे पास ये पद है आदरणीय बहन जी का दिया हुआ और हम इस बात को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं, आपको हम आपने आपका नंबर दे दो, हम आपका नंबर लेने के लिए आए, आपसे मिलने के लिए आए हैं, जब भी कोई जिले की विधानसभा की प्रदेश की जब बैठक होगी तो आप लोगों को कार्यालय से हम फोन कराने का काम करेंगे, आप अपने तजुर्बे को लेकर के वहां आना और इस बिगड़ी हुई बात को आगे बढ़ाने का काम करना। फिर उसी घर पे बैठ करके हम ये कहेंगे क्या आपके गांव में कोई संगठन है युवाओं का, संगठन है कि नहीं है, अगर नहीं है तो कुछ युवाओं से मिलवा दो, अगर है तो उस संगठन के लोगों युवाओं से मिलवा दो, और इस तरह से एक गांव से 10 नौजवानों का डाटा डिटेल लेकर के आने का काम करेंगे, एक गांव से 10 नौजवानों का डाटा डिटेल लेकर आने का काम करेंगे। जब एक गांव से 10 नौजवानों की डिटेल आपके पास आएगी तो 6000 गांव से कितने नौजवानों की आएगी, 3 महीने के अंदर 60,000 नौजवानों का डाटा आपके प्रदेश कार्यालय, 60,000 नौजवानों का डाटा आपके प्रदेश कार्यालय में होगा, वहां पर एक अच्छे कंप्यूटर का इंतजाम अपनी बामसेफ के माध्यम से किया जाएगा और उस कंप्यूटर के अंदर 2,00,000 रुपए का एक सॉफ्टवेयर डाला जाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर ना अगर 1,00,000 लोगों को मैनेज करने की बात कर रहे हो उसकी कीमत अलग है, 1,50,000 लोगों को मैनेज करने का सॉफ्टवेयर खरीद रहे हो उसकी कीमत अलग है, 2,00,000 लोगों को मैनेज करने का सॉफ्टवेयर खरीद रहे हो उसका पैसा अलग है, तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर 2,00,000 लोगों को हम मैनेज कर सकें वो उस कंप्यूटर में डाला जाएगा, और उस कंप्यूटर में डाल करके हमने जो परफॉर्मा डिजाइन किया है जिसके अंदर डेटा डिटेल लेकर के आनी है उसके अंदर हमने फोर्सफुली व्हाट्सएप मोबाइल नंबर लिखा है, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर, किसी का भी मोबाइल नंबर नहीं लाना, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर लाना है, और मेरे गांव का एक एक युवा चाहे वो कितना भी गरीब है वो एंड्रॉइड फोन जरूर चलाता है, उसका व्हाट्सएप मोबाइल नंबर जरूर होता है, जब वो व्हाट्सएप मोबाइल नंबर 60,000 नंबर जब उस सॉफ्टवेयर के अंदर डाल देंगे और रोज सुबह अपनी पार्टी से रिलेटेड एक मैसेज उन 60,000 नौजवानों को हम भेजने का अपने दफ्तर से काम करेंगे, रोज 60,000 युवाओं को मैसेज जाएगा, मैसेज तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसके बाद हम अपने नौजवानों को तैयार करने के लिए अलग अलग हम अभियान चलाएंगे, जैसे अभी हमने इसी महीने के अंदर जून के महीने के अंदर हमने पीटीआई का समर्थन किया। जब आप लोग अपना कार्यक्रम करते हो, आज क्या हो रहा है, आज इस मीटिंग के अंदर आपका पैसा और आप ही के लोग सुन रहे हैं, आप ही का पैसा लग रहा है, आप ही के लोग सुन रहे हैं, लेकिन पीटीआई का जो समर्थन हमने किया उसके अंदर क्या था, अरे पैसा भी, माइक भी किसी और का, मंच भी किसी और का, और सुनने वाला सर्व समाज का पीटीआई वहां बैठा था, और आपने बीजेपी को मुर्दाबाद करके बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन जी का बात रखने का काम उन्होंने किया। तो हमारे साथियों पीटीआई के धरने का हमने समर्थन किया, डीजल पेट्रोल की बात जो तमाम पार्टियां उठा रही है उस डीजल पेट्रोल की बात प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर से बहुजन समाज पार्टी ने भी उठाने का काम किया, आपका जिला अध्यक्ष लीडर बन रहा है, आपका लोकसभा का प्रभारी लीडर बन रहा है, उनके नेतृत्व के अंदर धरनों के ऊपर समर्थन जा रहा है, उनके नेतृत्व के ऊपर डीसी को ज्ञापन देने का काम हो रहा है, आप बढ़ाएं अपनी एनर्जी कितनी बढ़ा सकते हैं, आप बढ़ाएं अपना नेतृत्व कितना बढ़ा सकते हैं। तो सम्मानित साथियों इस तरह की प्रत्येक बात हमने यहां से ऐलान, अध्यक्ष जी ने यहां से ऐलान करने का काम किया है कि अगर एक व्यक्ति भी कहीं सरकार के खिलाफ धरने पर बैठा है तो वहां बहुजन समाज पार्टी जाकर के उसको समर्थन करने का काम करेगी, और एक महीने के अंदर ये जितने ज्ञापन इकट्ठे हो जाएंगे, ये जितने ज्ञापन इकट्ठे हो जाएंगे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हरियाणा के गवर्नर से टाइम लिया जाएगा, उसकी ईमेल आईडी है, जब उसकी ईमेल आईडी पे यहां से हम अपनी बात रखेंगे तो वो हमें समय देगा, वो एक छोटे छोटे संगठन को समय दे देता है गवर्नर, तो ये तो नेशनल पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, हम कहेंगे कि हम आपसे मिलना चाहते हैं हमें वक्त दीजिए, वो 15-20 दिन के अंदर समय देगा, मान लीजिए 30 जुलाई को 11 बजे का समय दे देता है तो हम 4 लोग 30 जुलाई को 11 बजे जाकर के राज्यपाल भवन पहुंच जाएंगे, राज्यपाल भवन, और जब राज्यपाल भवन जाएंगे और अपना ज्ञापन देने का काम करेंगे कि इस महीने बहुजन समाज पार्टी ने आपको ये ज्ञापन भिजवाए हैं, क्या आए हैं कि नहीं आए हैं, नहीं आए तो हम प्रत्यक्ष में आपको देने के लिए आए हैं, और चाहे वो गवर्नर हमें 2 मिनट दे चाहे 5 मिनट दे, जब हम वहां से बाहर निकलेंगे उस राजभवन से, जब राजभवन से बाहर निकलेंगे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के, तो वहां का जो इंटरनेशनल मीडिया या स्टेट मीडिया वहां पर फोकस करके आपको खड़ा होगा कि आज बीएसपी राज्यपाल से क्या बात करने के लिए आई है, और वो जब चंडीगढ़ से आपकी न्यूज लगेगी तो उसको पूरा हरियाणा और पंजाब देखेगा आपकी पार्टी को, लोग बात जो इग्नोर करते हैं वो इग्नोर करना बंद करेंगे। सम्मानित साथियों कर्मचारी की लड़ाई बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी, कर्मचारी की लड़ाई बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी, युवाओं की लड़ाई बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी, अभी अध्यक्ष जी ने एक प्रोग्राम बनाया है कि हमें प्रत्येक लोकसभा से, जैसे हरप्रीत बत्रा जी को कहा ऐसे ही हमने प्रत्येक लोकसभा से एक महिला चाहिए, प्रत्येक लोकसभा से एक महिला, पहले हम 10 महिलाओं से मीटिंग करेंगे, और जब 10 महिलाओं से मीटिंग हो जाएगी तो हम कहेंगे कि जो लोकसभा की जो महिला होगी उससे हम कहेंगे कि तुम्हारे लोकसभा में कितने जिले हैं, तो प्रत्येक जिले से एक महिला लेकर के आओ, फिर वो
अगर एक लोकसभा में अब दो जिले हैं यहाँ, तो एक महिला तो यहाँ लोकसभा में हो जाएगी, लेकिन फिर एक पलवल से और एक फरीदाबाद से, दो महिला जिले से हो जाएगी। तो इसका मतलब 10 और प्लस 22, 22 जिलों की 22 महिला, 10 लोकसभा की 10 महिला। और उसके बाद हम 32 महिलाओं को हम ये कहेंगे अपनी बहनों को कि अब आप विधानसभा के ऊपर एक एक महिला जोड़ो। तो विधानसभा पर एक महिला यानी 90 प्लस 32 122 महिलाएं आप लोगों को 4-5 महीने के अंदर उसकी अलग से मीटिंग, यानी बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग महीने में एक बार होगी, बीवीएफ की मीटिंग बहुजन समाज पार्टी की महीने में एक बार होगी, सेकंड वीक दीपक जी बैठे हैं, महीने के दूसरे हफ्ते का जो संडे आएगा उसमें बामसेफ की मीटिंग हरियाणा प्रदेश की होगी, और जो लास्ट जो वीक आएगा उसके अंदर महिलाओं की अलग से मीटिंग की जाएगी। तो महिला, बामसेफ, बीवीएफ और बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग हर एक हफ्ते के अंदर एक एक करके पूरे महीने के अंदर महीने में एक बार मीटिंग की जाएगी। तो सम्मानित साथियों, आप बात को आगे बढ़ाने का बहुत सारे रास्ते हैं, बात को आगे बढ़ाने के, आप बात को आगे बढ़ाने की बात करो। हमारा चूक हमसे रह जाती है, कभी महेश से रह जाती है तो कभी किसी और से रह जाती है। अगर ये चूक ना रहती तो आज से पहले हम राज बना चुके होते। ये चूक का ही मामला है। तो हम आज संकल्प करें यहां से, हम अपना भाईचारा अपने दिमाग से अपने मन से वो कुंठा निकालें और आज हम ये फैसला लें कि हम चूक करने वाले को बख्शेंगे नहीं, आज के बाद हम बख्शेंगे नहीं। और हम अपनी ईमानदारी से, अगर मैं अपनी ईमानदारी अपने दिल के अंदर कबूल लूं, आप अपनी ईमानदारी अपने दिल में कबूल लें और ये बेईमानीपना अपने दिमाग से निकाल दें, तो बहुजन समाज पार्टी का रिजल्ट आ सकता है। तो अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।